ओके, सबसे पहले सीखेंगे कि किसी लाइन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5.6 सेंटीमीटर। तो बेटा ये आपके सामने जो लाइन बनी हुई है 5.6 सेंटीमीटर की लाइन स्केल से खींच लो अपने सामने, ठीक है ना। हमारी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं, फिर से हाँ अब थोड़ी सीधी है। ये आपने लाइन खींच ली, इसका एक कोना दे दो ए, एक कोना दे दो बी। अब आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो क्या करोगे बेटा, जो कंपास है कंपास का नेडल रखो और आधे से ज़्यादा लेंथ नेडल के ऊपर भर लो और एक आर्क ऊपर नेडल रख कर के यहाँ पे काटो और एक आर्क यहाँ काटो। सिमिलरली यहाँ पे नेडल का पॉइंट रख कर के एक आर्क यहाँ काटो और एक आर्क यहाँ काटो और दोनों को ज्वाइन कर दो। ये जो लाइन बनी, ये लाइन ही आपका बन गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बोलो बन जाएगा? यस सर। हाँ चलो अब सभी लोग कंस्ट्रक्शन के स्टेप देख करके लिखो, इससे कॉपी में लिख के बताओ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। सर ड्रॉ करके बता। तो लेके आओ कंपास, चलो जाओ ज्योमेट्री बॉक्स लेके आओ। हाँ लाना पड़ेगा, जाओ। तो ये लिखो, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन तो लिखो कम से कम। हाँ क्योंकि ये 1 मार्क्स का होता है और ये 3 मार्क्स का होता है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखो ना, नहीं पढ़ने से नहीं है, लिखना है। सर क्या मतलब वो लिखने का, पता है क्या गोल घुमाना है? नहीं उसी से मार्क्स है इसलिए लिखो उसको। स्कूल में टीचर लिखवाती है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का भी, उसमें मार्क्स लगते ठीक है। बन गया बच्चों? यस यस सर। हो अब चलिए देखिए अगला है बच्चों, अगला हेडिंग डालो बच्चों, एंगल बाईसेक्टर। एंगल बाईसेक्टर कह रहा है ड्रॉ एन एंगल ऑफ 80 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड बाईसेक्टेड एंड फाइंड द बाईसेक्टेड एंगल का मेजर। तो 80 डिग्री को बाईसेक्ट करोगे, आधा आधा कर दोगे तो कितना बन जाएगा, 40 डिग्री है ना। तो पहले इसको ड्रॉ करना सीखना है, तो कैसे ड्रॉ करोगे, बहुत ईजी है। एक काम करो, एक लाइन बना लो, एक लाइन में आपने प्रोटेक्टर रख करके 80 डिग्री तो बना लोगे, सब लोग बना लोगे, नहीं बना लोगे, 80 डिग्री बनाया होगा। अब उस 80 डिग्री में दो कोने ऐसे बना देना, मतलब ऐसे बीच में एक आर्क लगा देना, है ना, आर्क लगा देना, ठीक है। अब एक काम करना, आर्क लगाने के बाद अपना जो कंपास है कंपास का लेग यहाँ रख करके एक आर्क इधर पे मारना, आधे से ज़्यादा लेंथ लेके, और एक आर्क इस वाले लेग से ऐसे मारना, और जब यहाँ पे दोनों का कट पॉइंट आ जाए तो दोनों को ऐसे क्या कर देना, ज्वाइन कर देना। तो कुछ नहीं करना है, एक पहले क्या करना है 80 डिग्री का एंगल बनाना है, फिर सेंटर पे पेंसिल रख करके एक बड़ा सा आर्क लगाना है, तो एक पॉइंट ये मिल जाएगा, एक पॉइंट ये मिल जाएगा। अब इस पॉइंट पे रख के एक आर्क नीचे मारना है, इस पॉइंट रख के एक आर्क इधर मारना है और दोनों को ज्वाइन करके लाइन बना देना है। तो ये जो लाइन जाएगी ओ से लेके सी, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल बाईसेक्टर। ये है एंगल बाईसेक्टर 80 डिग्री का, 80 डिग्री यहाँ पे 80 बना हुआ है ना, 80 का बाईसेक्टर है, एंगल आएगा 40 नीचे वाला, बट बाईसेक्टर 80 का, ठीक है। तो इसको नोट कर लो सभी लोग, सारे बच्चे नोट कर रहे हैं मगर समृद्धि नहीं नोट कर रही है, ठीक है, इसकी कंप्लेन की जाएगी, ठीक है। और आता सबको है, एग्जाम में कुछ नहीं लिख पाते, फिर जल्दी से नोट करो। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन टीचर ने नोट नहीं करवाया, सिर्फ ड्रॉ करते रहता स्कूल में। तो लिखने को तो आता है ना एग्जाम में? नहीं आता ऐसे, बस सिर्फ क्वेश्चन आता है ड्रॉ करके छोड़ दो और उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं देना पड़ता। जाओ तो सर आज के बोर्ड पर पूछ लेगा जो भी होगा। मैं कंपास लाई हूं बात करने।
सर इन दिस चैप्टर ओनली वन फाइल ओनली वन फाइल इज देयर बेटा, इसमें बस एक ही फाइल है, उसमें से सारा चैप्टर बन जाएगा, ठीक है? ओके सर। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बाई अ रूलर। कैसे? देखो एक रूलर से आप एक सीधे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, और अब यहाँ पे सेंटर से रख करके, कंपास को रख करके एक गोला घेरा मार दो, एक गोला घेरा मार दो, मार दिया। हाँ अब बच्चों देखो क्या करना आपको, मतलब यहाँ पे अब एक बार निडल रखो, निडल यहाँ पे रख करके एक कट यहाँ मारो, फिर निडल यहाँ रखोगे तो एक कट यहाँ मारोगे, है ना, तो टोटल दो कट लगेंगे। जैसे पहले निडल को यहाँ पे रखो तो इधर पे कट लगेगा, तो कट नंबर वन, फिर निडल यहाँ पे आएगी तो कट यहाँ पे लगेगा, ये कट नंबर टू। तो क्या हुआ बेटा, ध्यान से देखो, ये टोटल कितना था 180 डिग्री, तो 180 डिग्री के तीन पार्ट हो गए, ये हो गया 60, ये भी हो गया 60, ये भी हो गया 60, मतलब 60 60 60, कितने हो गए प्रगति, 180 हो गए कि नहीं हुए बताओ? यस। हाँ अब देखो करना क्या है, अब आपको निडल रख करके यहाँ पे, यहाँ पे सेकंड वाले में निडल रख करके एक ऊपर की तरफ कट मारो, और इधर निडल रख करके एक नीचे की तरफ कट मारो, तो ये ज्वाइन कर दो, तो ये बन जाएगा, देखो यहाँ तक का है 60, और ये 60 का आधा 30, तो 60 प्लस 30 टोटल कितना बन गया 90। हाँ तुम क्या कर, सीधे वो स्केल रख के, सीधे स्केल रख के ऐसे खींच दिए, ऐसे खींच दिए, एल बना दिए ना, फिर डायरेक्टली कैसे कंपास से कैसे मेजर करोगे 90? ऐसे कंपास रखा, यहाँ 90 दिख गया है, ऐसे बार लाइन की जरूरत, प्रोटेक्टर पे, प्रोटेक्टर करके नहीं मना किया है, यूजिंग कंपास, रूलर एंड कंपास बोला है, देख लो। और बच्चों फिर इसको बाइसेक्ट भी करना है, तो 90 डिग्री बना करके वही एक राउंड आर्क मारा आपने, आधे से ज़्यादा ये वाले पॉइंट पे कंपास रखा, इधर एक आर्क मारा, इधर पे रखा, इधर एक आर्क मारा, दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका आ गया 45 डिग्री। ठीक है? यस सर। ओके क्वेश्चन नंबर 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। अब बेटा इसमें आपको दिमाग लगाना है कि आप कैसे ड्रॉ करोगे, है ना, 75 डिग्री विद यूजिंग रूलर एंड कंपास। याद रखना प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करना है आपको, रूलर और कंपास का यूज़ करके 75 बनाना है, 37.5 बनाना है। तो मैं एक आपकी हेल्प कर देता हूँ बच्चों 75 में, देखो कैसे बनेगा 75। बच्चों सबसे पहले 75 90 से कम है, तो देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ से सबसे पहले आप 180 के आर्क ले लो, इसके तीन टुकड़े कर दो, ये 60 ये भी 60, और ये बीच में से इसको एक ऐसी लाइन एक ऐसी लाइन, तो ये बन गया 90। सभी बच्चे बोले हाँ 90 बनाते बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो। यस सर। ओके अब 90 यस सर। अब 90 में अब ये 90 की पोजीशन है, तो एक आर्क यहाँ काटो और इस तरह से एक आर्क यहाँ काटो, तो ये जोड़ दिया तो ये क्या बन गया 45, आधा 90 का 45, और ये भी कितना है ऊपर वाला भी कितना है 45। अब ये देखो कि 75 में 45 बन गया, तो तुम्हें बाकी कितना चाहिए, जीरो, और तुम्हें चाहिए कितना 30। तुम्हारे पास ये मतलब जो है 75 में से 45 चला गया, तो मतलब तुम्हारे पास 30। अभी देखो मैं बता क्या रहा हूँ, मतलब तुम्हें 30 डिग्री और बनाना है, तुम्हें कितना बनाना है 30 डिग्री और हैं, तुम्हें 30 डिग्री और बनाना है, 45 से तो बन चुका है, बट आपको 30 डिग्री और बनाना है। अब रुकना कैसे बनेगा 30 डिग्री ये सोचो। आपने पहले बताया था हाफ पार्ट। वेट 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 बेटा वेट, 45 क्योंकि इसका हाफ काटोगे ना तो तुम्हें 30 नहीं मिलेगा, 22.5 मिलेगा, क्योंकि 45 का आधा 22.5 होता है, और तुम्हें यहाँ पे 30 चाहिए है, हाफ काटने से काम नहीं चलेगा। चलो देखो बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको क्या चाहिए, आपको टोटल एंगल बनाना है 75 डिग्री, तो 75 डिग्री का मतलब होता है 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ये देखिए, तो
तो कैसे करोगे देखो इसको, इसमें राइट एंगल बनाने की ज़रूरत थोड़ी सी अभी मेरे को समझ में नहीं आ रही है, बाद में बनाना हुआ तो देखेंगे इसको कैसे करेंगे। देखिए एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, ये 180 डिग्री ले लीजिए, ये कितना हो गया 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन में। अब इसके तीन हिस्से, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, तो ये बन गया अपने पास कितने डिग्री, 60 डिग्री। हाँ अब बनेगा समझ में आ रहा है बेटा, देखो ये है 60 डिग्री। अब ध्यान से देखो ये 60 है, तो 60 और 60 का आधा बीच में, अगर इस एंगल को आप आधा कर दो, इस एंगल को आप आधा कर दो कट कट, तो ये कितना हो जाएगा 90, ये हो गया 90। अब रुक जाओ थोड़ा सा, हाँ देखो यहाँ तक कितना है बेटा, ये 60 है और ये टोटल कितना था, यहाँ भी 60 था, तो 60 में ये कितना गया था 30, क्योंकि 30 इधर कट गया और 30 इधर कट गया। अब ध्यान से सुनना, अब हो रही कलाकारी, अब फिर से सुनो क्या होने वाला है। अब ये जो 30 डिग्री है जो मैं रेड कलर का दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर कंपास रख करके एक इधर मारो और यहाँ पर कंपास रख करके एक इधर मारो, तो ये जो जाएगा ये 30 का आधा होगा मतलब 15। तो अब ये जो लाइन बनी आपकी, तो नीचे वाला 60 और ऊपर वाला 15, मतलब टोटल कितनी डिग्री, 75 डिग्री। बोलो ईमानदारी से समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है चलो, 37.5, देखो सर 37.5 कैसे आएगा भाई, 37.5 का डबल करके देखो कितना होता है, 37.5 का डबल होता है 75। तो अभी अभी हमने 75 तो बना लिया, अभी अभी हमने 75 बना लिया, इतनी मेहनत करके 75 बनाया है, ये आया है 75, उसका क्या कर दो आधा, तो उसका हाफ करना पड़ेगा। तो ये जो 75 था, एक एंड थे यहाँ मानना, एक इधर मानना, बस आधा कर देना, तो देखो जो 75 आया है उसका जो हाफ बनेगा वही क्या होगा, 37.5। ठीक है 37.5 का जो हाफ बनेगा वो 75 होगा। क्लियर है बेटा? यस। ओके यस। हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 135 बेटा खुद से करना, तो 135 कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है, 90 प्लस 45, तो 90 बनाना और 90 में 45 ऐड कर देना, तो अपना बाद बन जाएगा कितना, 135। जैसे तुम्हारी मर्जी है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बना लो 180 से ही बनाएंगे। 90 बनाने का मतलब 180 पहले खींचोगे, फिर उसके बाद तीन पार्ट करोगे, प्रोटेक्टर तो यूज़ कर ही नहीं सकते हो ना। 22.5 बच्चों, 22.5 लिख लो कॉपी में, 22.5 का मतलब 45/2, 22.5 का मतलब 45.2। चलो बाकी बचे हुए एंगल सारे बनाओ, ये एंगल है एक एक बार सब लोग कॉपी में बना के फ़ोटो भेजो मेरे को सारे के सारे। आप लोग तो घर पे बैठे हो ना, सबके पास कंपास है, तुम नॉर्मली बनाओ ऐसे ही। अरे मैं आपको कल भेज दूँगी कॉपी, मैं कंपास लेके खींच के बना दूँगी, ठीक है?